Hello guys, today we are discussing SQL part 4. So I have already uploaded two videos in SQL part 1 and SQL part 2. In this video we are discussing table constraints. It means constraints, any conditions. So which conditions are applied by SQL codes? How can stored clear data, unique data in the database? So first constraint, first condition is not null. It ensures that column cannot have a null value. Null value means zero value. यानी आप ये ensure करेंगे कि उस table के अंदर कोई ना कोई value put होनी चाहिए. ये इसके लिए आपको कोई ना कोई value put करने के लिए आप क्या करेंगे? नॉट नल कंडीशन लगा देंगे. क्लियर? जिस तरीके से देखिए कंडीशंस का हमें यूज क्यों होता है, क्योंकि देखिए कोई ना कोई हम टेबल बना रहे हैं, टेबल के अंदर अगर हमें देखिए मोबाइल नंबर स्टोर करवाने हैं तो हम उधर कंडीशन क्या लगाएंगे कि हर एक मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए. ना तो वो 9 डिजिट का हो और ना ही वो कितने डिजिट का हो, 11 डिजिट का. तो 10 डिजिट का होने से मीन्स क्या होगा कि वो एक करेक्ट मोबाइल नंबर स्टोर होगा. क्लियर? जैसे यूजर अगर 11 डिजिट कर रहा है या 9 डिजिट कर रहा है तो उससे डेटाबेस क्या देते, एक एरर मैसेज शो करते. क्लियर? तो इस टाइप की हम कंडीशन लगाते हैं. जैसे यूनिक, यूनिक से मीन्स क्या होगा कि हर एक कॉलम, ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम आर डिफरेंट, यानी हर एक कॉलम की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, हर एक रिकॉर्ड डिफरेंट होगा. इससे क्या होगा कि इससे डेटा रिपीटेशन नहीं होगा. क्लियर? डेटा रिडंडेंसी आपकी सॉल्व होगी, यानी एक डेटा दोबारा आप स्टोर नहीं कर सकते. जैसे मोबाइल नंबर, सॉरी, आप जैसे डेटाबेस, आप जिसका मोबाइल का डेटाबेस यूज करते तो आपने कोई एक रिकॉर्ड स्टोर कर दिया तो उसी नाम से आप दूसरा रिकॉर्ड स्टोर नहीं कर सकते. तो आपके पास मोबाइल मैसेज आता है रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट या सेव्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस टाइप से आपके पास मैसेज आता है. क्लियर? प्राइमरी की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए नॉट नल एंड यूनिक. तो देखिए बच्चों कि अगर हमें नॉटनल और यूनिक दोनों कंडीशन वन टाइम अप्लाई करनी है, सिमिलर टाइम में ही आपको अप्लाई करना है एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर, तो आप उस कॉलम को क्या बनाएंगे, एज ए प्राइमरी की बना देंगे. क्लियर? नेक्स्ट देखिए फॉरेन की इज ए यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो रिकॉर्ड इन अनोदर टेबल. यानी एक टेबल, फर्स्ट टेबल, यानी फर्स्ट टेबल के अंदर एक कोई कॉलम आपका एज ए कैंडिडेट की हो, बट सेकंड टेबल के अंदर वही कॉलम आपका सेम डोमेन से आपका क्या हो, वो एज ए प्राइमरी की है, तो फर्स्ट टेबल का जो कैंडिडेट की है वो आपकी क्या होगी कि एज ए फॉरेन की होगी. क्लियर? चेक कंडीशन, यानी कोई भी आपको कंडीशन लगानी है, इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम सेटिस्फाई ए स्पेसिफिक कंडीशन. देन देखिए आपको कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन लगानी है. जैसे मान लीजिए आपने कोई डेटाबेस स्टोर करवा रहे हैं इलेक्शन का, तो इलेक्शन के लिए इलेक्टेड मतलब कोई भी पर्सन अगर एलिजिबल होगा इलेक्शन वोटिंग के लिए तो वो कब होगा, जो उसकी एज या तो 18 ईयर हो या 18 ईयर से अबव हो, तो उस केस में आप लगाते हैं चेक कंडीशन. क्लियर? डिफॉल्ट के लिए इट सेट्स ए वैल्यू फॉर ए कॉलम वेन नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड. यानी कोई वैल्यू अगर आप डिफॉल्ट कर देते हैं तो वो क्या होगी, जब भी आप कॉलम के अंदर कोई वैल्यू ना डालेंगे, ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट नहीं किया यूजर ने, तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए. जैसे हमने मान लीजिए डिफॉल्ट सिटी हमने कोई पुट कर दिया जयपुर को, तो हमारे पास जब भी यूजर ब्लैंक छोड़ता है उस कॉलम को तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाती है. क्लियर? इंडेक्स आपके पास क्या, देखिए इंडेक्स इज यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटा बेस वेरी क्विकली. यानी इंडेक्सिंग के थ्रू आप डेटा को वेरी क्विकली आप स्टोर रिट्रीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट देखिए डेटा बेस कंस्ट्रेंट से हम यूजिंग करेंगे टेबल को कैसे बनाएंगे. देखिए पहले हमने बना चुके हैं कि टेबल हमें कैसे बनाना है. फर्स्ट इज देख क्रिएट टेबल, आपके पास क्या है बच्चों, क्रिएट टेबल इज ए कमांड, ठीक है, पर्सन इज ए टेबल नेम, आईडी इज ए कॉलम नेम, एंट्री इज ए डेटा टाइप, नॉट नल इज ए कंस्ट्रेंट एंड प्राइमरी की इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट, लास्ट नेम इज ए टेबल नेम और कॉलम नेम,
varchar is a data type, 255 is the maximum limit of the entered character, not null is a constraint. Same, first name is a column name, varchar is a data type, 255 is the maximum inputted character limit. Age is a column name, int and data type, city is a column name, varchar is a data type, 255 is a maximum character limit inputted, default is a constraint and Jaipur is a value, default value. Constraint, check person, check age greater than equal to 18. Then check is a constraint and age greater than equal to 18, this is the condition. Next table is my create table is a table command, order is a table name, order id is a column name, int data type, not null is a constraint. Then order name, no, order number is a column number, column name, int is a data type, not null is a constraint of SQL. Person id is a column name, int is a data type, primary key is a constraint applied by order id, foreign key applied by person id, references person id. Next देखिए altering table, table की कुछ और commands है हमारे पास SQL altering table, altering यानी modify the table. The SQL alter table command is used to add, delete or modify commands in an existing table. जो भी आपकी पहले से बनी हुई table है उसके ऊपर आप क्या क्या कर सकते हैं, add कर सकते हैं, delete कर सकते हैं और modify कर सकते हैं. Next, you should also use the alter table command to add and drop various constraints on an existing table. First syntax is the basic syntax of an alter table command to add a new column in an existing table is as follow. Alter table is a SQL command, then table name, then add column name and data type. Second is the basic syntax of an SQL table command to drop column in an existing table is as follow. Alter table is a SQL command, then table name, then drop column, then column name. The basic syntax of an alter table command to change the data type of a column in a table is as follow. Alter table is a SQL command, then table name, then modify column, then column name and data type. Next, altering table के अंदर ही देखिए कुछ और हमारे पास है. The basic syntax of an alter table command to add a not null constraint to a column in a table follow. यानी देखिए not null condition हमें apply करनी है किसी table के ऊपर, तो column के ऊपर देखिए alter table, then table name, modify column name, data type, then not null. Not null is a constraint. The basic syntax of a alter table to add unique constraint. Unique constraint को add करने के लिए हमारे पास क्या देगी? Alter table, then table name, add constraint, my unique constraint, unique column 1, column 2 and so on. The basic syntax of an alter table command to add check constraint. Alter table is a SQL command, then call table name, add constraint, my unique constraint, check and then condition. The basic syntax of an alter table command to add primary key. Primary key को add करना है तो आपके पास देखिए क्या है, alter table is a SQL command, then table name, then add constraint, my primary key column 1, column 2 and so on. The basic syntax of an alter table command to drop constraint, then alter table, then table name, drop constraint, my unique constraint. Next देखिए बच्चों, आपके पास altering table से related ही आपके पास देखिए drop index, my unique constraint, the basic primary, drop primary key constraint,
यानी प्राइमरी की को आपको रिमूव करना है, तो आपके पास देखिए अल्टर टेबल देन टेबल नेम ड्रॉप कंस्ट्रेंट माई प्राइमरी की, जिस कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया उसको, या इसकी जगह दूसरा आप कोड यूज कर सकते हैं अल्टर टेबल देन टेबल नेम ड्रॉप एंड प्राइमरी की। ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द टेबल डेटा इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट डेटा इज नॉट इंसर्टेड इन टू टेबल इन एनी ऑर्डर अनलेस वी हैव इंडेक्स, एंड बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर बाय कमांड क्लॉज इज डेटा सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। देन सिंटैक्स सेलेक्ट, सेलेक्ट इज एसक्यूएल कमांड देन कॉलम नेम फ्रॉम देन टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम वन एएससी असेंडिंग ऑर्डर के लिए, डीईएससी डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, देन कॉलम टू एएससी असेंडिंग ऑर्डर देन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए इधर मैंने कुछ इनके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। सपोज वी आर हैविंग स्टूडेंट टेबल विद फॉलोइंग डेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट स्टार यानी ऑल। अब हम क्या करें, इस जो स्टूडेंट टेबल है इस टेबल से हम क्या करें, कंप्लीट डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। देन रोल नंबर नेम क्लास एंड मार्क्स, रोल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, नेम फ्रिया मोहक विशाल विमल एंड अनिल, क्लासेस 10, 1, 10, 10, 2, देन मार्क्स 88, 99, 84, 82 एंड 82। देन अब ऑर्डर बाय क्लास लगा रहे हैं। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय क्लास, अब क्लास के ऑर्डर बाय मैंने कहीं ए एस सी नहीं लिखा ना डी एस सी लिखा, तो बाय डिफॉल्ट किससे ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, क्लियर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए क्लासेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसी के अकॉर्डिंग सारा डेटा आपका फिल्टर हो चुका है, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास देखिए डी एस सी लगाते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपके पास देखिए मेरे जो फर्स्ट स्क्रीन शॉट था सेम उसी के तरह वही है, क्लियर, यानी पहले मेरे ये कंप्लीट टेबल थी फिर मैंने इसको डीएससी लगाया, इधर डीएससी जैसे ही हम लगाते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय क्लास डीएससी यानी घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास क्लास आ जाए, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका 10, 10, 10, 2, 1 डिस्प्ले हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय क्लास असेंडिंग ऑर्डर मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर, यानी क्लास और मार्क्स दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में क्लास फर्स्ट है मैक्सिमम 99, क्लास फर्स्ट के सामने है, क्लास टू है 82, 10, 82, 10, 84 और 10, 88। 1084 इसलिए नहीं आया क्योंकि देखिए ये क्या 82 इससे क्या था, छोटा था 84 से, स्मॉलेस्ट था। नेक्स्ट देखिए ऑर्डर बाय क्लोज के अंदर देखिए क्लास का असेंडिंग ऑर्डर बट मार्क्स का क्या हो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो, ठीक है, क्लास का असेंडिंग ऑर्डर हो मार्क्स का डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो देखिए फर्स्ट आपके पास क्लास है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हुआ, सेकंड है तो असेंडिंग ऑर्डर के क्योंकि इसके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं है। अब देखिए 10 का ये रिपीटेशन है 3 का, क्लियर, 10, 10, 10, क्लियर, 10 का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा 88, फिर 10 का 82, 84 और 10 का 82, क्लियर। नेक्स्ट आता है एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म ए कैलकुलेशन ऑफ मल्टीपल वैल्यू एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू, यानी कोई भी आपको मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेशन करवाना है तो उस केस में हम यूज करते हैं एग्रीगेशन ऑफ एसक्यूएल फंक्शंस। फॉर एग्जांपल्स यू कैन यूज द एवरेज एग्रीगेट फंक्शन दैट टेक मल्टीपल नंबर्स एंड रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ द नंबर्स फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ एग्रीगेट फंक्शन सपोर्टेड बाय माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल जिनको सपोर्ट करती है वो है आपके पास सम, कैलकुलेट द सम ऑफ गिवन कॉलम, मिनिमम फाइंड द या रिटर्न द मिनिमम वैल्यू इन द गिवन कॉलम, देन रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन कॉलम, एवरेज रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन कॉलम, काउंट रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू या रिकॉर्ड्स एज पर गिवन कॉलम, उस कॉलम के अंदर कितने रिकॉर्ड्स स्टोर्ड हैं, ये सारा डिस्प्ले होता है आपको किससे, काउंट फंक्शन से। अब देखिए ये मेरे पास एक टेबल है
और इस टेबल से रिलेटेड ये कुछ क्वेरीज हैं, क्लियर। ये कुछ क्वेरीज मेरे पास है, सेलेक्ट सम सेल फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी आपके पास ये कॉलम है, सॉरी ये टेबल है, इसके अंदर किसका करना है, एस ए एल सेल का सम करना है। तो इसका सम क्या होगा आपके पास 12,000, क्लियर। मिनिमम वैल्यू निकालनी है सेल की, तो मिनिमम वैल्यू क्या है 3500, क्लियर। मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास 4500। काउंट करना है इसके अंदर कितनी वैल्यूज है, देखिए 1 वैल्यू 2 वैल्यू और 3, यानी 3 आपके पास आ गए, क्लियर। एवरेज जब आप निकालेंगे इन सब का, तो 3 वैल्यूज का सम अपॉन बाय 3, तो 4000 आपके पास इनका क्या आ जाएगा, एवरेज है। काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी से अगर हम काउंट करते हैं तो देखिए नल वैल्यू भी आपकी काउंटेड होगी, यानी कितने रिकॉर्ड हैं टोटल 5। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए द ग्रुप बाय क्लोज इज ए सेट ऑफ रोज एंड और रिकॉर्ड्स इनटू ए सेट ऑफ समरी रोज रिकॉर्ड्स बाय वैल्यूज ऑफ कॉलम्स और एक्सप्रेशंस इट रिटर्न्स वन रो फॉर ईच ग्रुप। वी हैव ऑफन द ग्रुप बाय क्लोज विद एग्रीगेट फंक्शन ईच ऑफ सच एज सम एवरेज मैक्स मिनिमम एंड काउंट द एग्रीगेट फंक्शन दैट अपीयर्स इन द सेलेक्ट क्लोज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ग्रुप। सेलेक्ट देन एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशंस। फर्स्ट देखिए इसका आपको, ये हमारे पास एक टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, पहले वाली टेबल है, ये मेरे पास डेटा रिट्री हुआ। अब मैं इस पे देखिए ग्रुप बाय क्लोज लगाता हूँ, सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास, यानी क्लास का ग्रुप बनाना है और क्या ओनली क्लास देना है, ठीक है। 1, 4, 2 और 10, 10 का एक ग्रुप बन गया 3 रिकॉर्ड्स का, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास माई एसक्यूएल ग्रुप बाय विद एग्रीगेट फंक्शन। द एग्रीगेट फंक्शन अलाउ अस टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ ए सेट ऑफ रोज एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। द ग्रुप बाय क्लोज इज ऑफन यूज्ड विद द SQL with aggregate group by with aggregate function। देखिए बच्चों ये हमारे पास पहले से ऑलरेडी बनी हुई एक टेबल है, अब हम देखिए इस पर ये अप्लाई करते हैं, क्लास सेलेक्ट क्लास काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास, यानी देखिए हमें क्लास को काउंट करना है कि उसकी वैल्यूज कितनी है, कितने कितने रिकॉर्ड हैं हर क्लास के अंदर, और उस भी वो भी क्या है ग्रुप के अंदर, क्लियर। इन्हें 10 क्लास के 3 रिकॉर्ड हैं, 2 क्लास के 1 रिकॉर्ड है और 1 क्लास का 1 रिकॉर्ड है, क्लियर। तो ये हमारे पास क्वेरी का रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट देखिए एसक्यूएल हैविंग, देखिए ये हमारे पास एक ऑलरेडी बनी हुई टेबल है, अब हम बात करते हैं, देखिए सेलेक्ट क्लास एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास, यानी क्लास के ग्रुप का ही आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, क्लियर। तो फर्स्ट ये देखिए क्लास फर्स्ट ग्रुप एवरेज मार्क्स 99, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है तो उसका एवरेज भी क्या होगा 99 ही होगा। क्लास टू एक ही रिकॉर्ड है 82, क्लास 10 के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं इसलिए इसका 84.6667 आपके पास एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट इस क्लास एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास लेस देन 10, यानी क्लास क्या हो उनकी लेस देन 10 हो, यानी 1 और 2 आपके पास क्लास होंगे। ग्रुप बाय क्लास ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपको डिस्प्ले करना है। तो देखिए क्लास क्या है आपके पास 1 और 2, लेस देन 10 है दोनों, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा 99 और 82। नेक्स्ट आता है आपका हैविंग क्लोज इज यूज्ड इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई फिल्टर का कंडीशन फॉर ए ग्रुप ऑफ रोज और एग्रीगेट्स। द हैविंग क्लोज इज ऑफन यूज्ड विद द ग्रुप बाय क्लोज टू फिल्टर ग्रुप्स बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन
to filter the group returns by group by clause where we use a having clause where we applied before group by having is applied after and can filter on aggregates. Select class average marks from student group by class having average marks less than 90. यानी जिनका देखिए आपको क्लास करनी है उनका एवरेज मार्क्स निकालना है और वो मार्क्स क्या होना चाहिए जो एवरेज मार्क्स है वो लेस देन 90 हो। तो देखिए 99 आपके पास किसका था, क्लास फर्स्ट का है 99, तो ये आपके पास नहीं आकर क्या क्लास टू और 10 का एवरेज आ जाए। नेक्स्ट आपके पास देखिए सेलेक्ट क्लास एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास हैविंग काउंट स्टार लेस देन 3, यानी जिनका काउंट यानी जो भी आपके पास रिकॉर्ड है वो लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 किस किस का है, 1 का 1 है और 2 का भी 1 है। क्लियर, यही आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, ये आपके पास देखिए कुछ एसक्यूएल पार्ट 4 वीडियो था, इसके अंदर देखिए आपने पढ़ा कंस्ट्रेंट्स कंडीशंस, देन इसके बाद ऑर्डर बाय क्लॉज, इसके बाद में अल्टर कमांड्स, देन ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज, ये सारा आपने पढ़ा। आगे देखिए आगे का जो आपका रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका एसक्यूएल पार्ट वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो के अंदर, इन 3 वीडियो के अंदर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों एसक्यूएल पार्ट्स के अंदर किसी भी कोई प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट करें, क्लियर, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दें, क्लियर, कि ये प्रॉब्लम है मुझे, ये क्वेश्चन में वो है। ठीक है गाइज, आप देखिए ज्यादा से ज्यादा इनका प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिकल का मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप करें। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।